हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं विवेक और आप आज मेरे साथ देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के पहले लेसन में। टॉपिक आपका है मुकुलन। क्या होता है मुकुलन? तो मुकुल टॉपिक आपका क्या है मुकुलन का, ठीक है? तो मुकुलन क्या होता है? मुकुलन में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? मुकुलन में जनक जीव के शरीर का एक छोटा सा हिस्सा, मुकुलन में शरीर के जीव का एक छोटा सा हिस्सा बड़ के रूप में उभरता है। बड़ के रूप में उभरने के बाद ये धीरे धीरे क्या होता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। विकसित होने के पश्चात ये अपने जनक से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। और जो है पूर्ण रूप से विकसित होने के पश्चात अलग हो जाता है। अलग होने के बाद ये जो है स्वतंत्र रूप से जनक जीव के जैसा अपना जीवन यापन करता है। इस कैटेगरी में आते हैं ईस्ट और हाइड्रा। ईस्ट और हाइड्रा, जैसे कि आपको पता है, ये हम पढ़ के आ रहे हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में दूसरा वाला जो प्रोसेस था वो मुकुलन था। तो मुकुलन में ये सारी चीजें होती हैं। अब एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो ईस्ट का आप फिगर देख पा रहे हैं। ईस्ट पहले में इसमें से एक बार निकली, ईस्ट कोशिका निकली, फिर धीरे धीरे ये दो भागों में विभाजित होना शुरू हुई और ये यहाँ पर ये नया मुकुल बना लिया, नया मुकुलन बना लिया। बनाने के पश्चात ये फिर यहाँ पर दूसरा मुकुलन बना लिया, फिर इसके बाद तीसरा बना लिया। इसी तरीके से ये कई सारे भागों में टूट जाते हैं और नया जनक जीव बना लेते हैं। अब उसके बाद हाइड्रा की अगर हम बात करें तो हाइड्रा भी जो है बडिंग के द्वारा क्या करता है, ये प्रोपोगेशन करता है या फिर रिप्रोडक्शन करता है। अब इसमें एक ये जो हिस्सा है ये मुख कहलाता है, ठीक है, ये हिस्सा मुख कहलाता है। यहाँ से ये दो भागों में टूटा, मुख बड निकला इसका नीचे से, ठीक है, और उसके पश्चात ये धीरे धीरे डेवलप हुआ। डेवलप होने के बाद ये दो भागों में टूट करके दो जनक जीव बना लिए। तो मुकुलन में इस तरीके से जो है अलैंगिक जनन होता है, अर्थात एक जनक जीव कैसे अनेक जनक जीवों में टूट जाता है या फिर बढ़ जाता है, इस तरीके से हम इसको समझ पाते हैं, ठीक है।